सीबीएसई ने बदला अपना एग्जाम पैटर्न। क्या चाहते हो हमसे आप? जानते हैं आपकी वजह से लोग कितना परेशान हैं? मुझे लगा कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट है। हेलो यमराज, यू आर फायर्ड। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सीबीएसई ने बदला अपना एग्जाम पैटर्न, अब नए तरीके से होंगे एग्जाम। हे भगवान, क्या चाहते हो हमसे आप? क्या मुझे बुलाया? ये क्या कर रखा है आपने? जानते हैं आपकी वजह से लोग कितना परेशान हैं? क्यों? मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें खूबसूरत दुनिया दी थी जीने के लिए, और तुमने क्या किया? इसे बर्बाद कर दिया। मैंने तो कभी शिकायत नहीं की। पर देखो ना, हम बच्चे कितने परेशान हैं, हमारी पढ़ाई, हमारी जिंदगी सब कितना मुश्किल में है। बच्चा देखो, मुझे लगा कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट है। पहले मैं बंदे बनाया करता था, वो पढ़ते थे, लिखते थे, नौकरी करते थे, और फिर उनकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम दे देता था। बिजनेस में लॉस हो जाना, नौकरी का छूट जाना, या दिल का टूट जाना। इसके बाद मेरे बंदे मुझे बहुत याद किया करते थे। लेकिन कुछ वक्त से मेरे बंदे मुझसे बहुत शिकायत करने लगे, कहने लगे कि जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, हम इतनी परेशानियां झेल नहीं पा रहे। जबकि मैं तो जानबूझ के उनको परेशानी देता था ताकि वो मुझे याद कर सके। इसलिए अब मैंने अपना पूरा स्टाफ ही बदल डाला है। हेलो यमराज, यू आर फायर्ड। तो अब क्या सिस्टम है आपका? अब मैंने अपना पूरा सिस्टम ही बदल दिया है। अब मैं पहले ही अपने बंदों को प्रॉब्लम्स दे रहा हूं ताकि वो आज से ही, अभी से ही स्ट्रांग बन जाएं और आगे चलकर प्रॉब्लम से घबराए ना। जो मेरे सच्चे बंदे हैं वो आज भी मुझे याद कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका उनको फल क्या मिलेगा? इसका फल उन्हें आगे चलकर मिलेगा। आओ चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। उधर देखो, वो भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट ही है। उसके भी स्कूल बंद हो गए हैं, पढ़ाई रुक गई है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा है। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। वो अपनी मेहनत जारी रखेगा, जिसका फल उसे देर सवेर मिलता रहेगा। उसके सामने भी प्रॉब्लम्स आएंगी, उसे भी लोग लालच देंगे, उसे उसके रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, पर वो अपनी धुन में लगा रहेगा और मेहनत करता रहेगा। वो हर चुनौती के लिए खुद को तैयार करेगा, हर मोड़ पर खुद को साबित करेगा, और फिर दुनिया उसके हुनर का लोहा मानेगी, और मैं उसका हर कदम पर साथ दूंगा। इसी तरह वो आगे बढ़ता जाएगा और पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, और एक दिन ये दुनिया उसके कदम चूमेगी। अरे ये तो बहुत कामयाब हो गया, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्या मैं भी इतना कामयाब हो सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। मेरे जो बंदे मेहनत करते हैं, मन लगा के पढ़ाई करते हैं, मैं उन्हें इसी तरह से कामयाब करता हूँ। तुम भी मन लगा के पढ़ाई करो, मेहनत करो और हिम्मत मत हारो। देखना, तुम्हें भी मैं इसी तरह से कामयाब करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हमेशा मेहनत करता रहूं और हिम्मत ना हारूं, तो क्या आप हमेशा मेरा साथ देंगे? मैं हर उस इंसान के साथ हूं जो सच्चे मन से मेहनत कर रहा है, मेरे फैसलों को सब्र के साथ एक्सेप्ट कर रहा है और हिम्मत नहीं हार रहा है। तुम जब भी कहीं मुश्किलों में खो जाओगे, मुझे अपने आसपास इंसानों की ही शक्ल में पाओगे। याद रखना, मैं तुम्हारा हूं।
और तुम मेरे।